हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ इस तरह की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, जिसे देखकर आप अपनी फ़ोटो को बहुत ही आसान तरीके से एडिट करना सीख सकते हैं। और अगर ऐसी एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, अब हम इसे शेयर करेंगे अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुका है। अब हमें सबसे पहले फ्रेंड्स टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स, हमें डबल एक्सपोजर वाले आइकन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अब हमें एक फ़ोटो लेनी है अपनी, जिसका मैंने बैकग्राउंड पहले से अरेंज कर रखा है। अब फ्रेंड्स, हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम एक अपनी पिक चूज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये वाली पिक मैंने चूज कर ली है, तो इसे सेट कर लेंगे यहाँ पे। और इसकी ओपासिटी को कर देंगे फुल। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हम कर देंगे राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स, हमें एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से व्यू एडिट पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें डबल एक्सपोजर वाले के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें अब इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स, हमें इसका बैकग्राउंड अरेंज करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम जैसे धीरे धीरे से अरेंज करेंगे, इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा, ऐसे करके अरेंज करेंगे इसे। तो आप भी अपने फ़ोटो को ऐसे ही धीरे धीरे से अरेंज करिएगा, टाइम लगता है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसे अरेंज। तो फ्रेंड्स, हमने ये कर लिया बैकग्राउंड अरेंज, और यहाँ से हम कर देंगे अब राइट क्लिक। फ्रेंड्स, अब यहाँ से बैक वाले एरो से हम बैक चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमें फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है। अब यहाँ से फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब यहाँ से ट्विन इमेज पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को इनक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स, इसके और इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इनक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। अब फिर से हमें टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है। फ्रेंड्स, अब हमें सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर जाना है। तो फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, फेस पे ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ दे रहा सा है वहाँ वहाँ ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप करेंगे राइट क्लिक। तो फ्रेंड्स, ये लाइट आ चुकी है। फ्रेंड्स, अब हमें टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब डिटेल्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को इंक्रीज करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे इसको राइट क्लिक। फ्रेंड्स, अब हमें इसको शेयर करना है। शेयर वाले ऑप्शन पर बटन क्लिक करेंगे। अब हम इसको करेंगे शेयर ऑटोडेस्क ऑटो स्केच बुक मोबाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हमें इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो अब इस लेयर पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो नॉर्मल लिखा हुआ है, इसकी जगह हम सॉफ्ट लाइट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हमें कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। कलर वाले ऑप्शन में हम करेंगे इस पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट, कलर को सेलेक्ट, और यहाँ से नीचे से कट कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हमें पेंसिल वाले आइकन पर जाना है। फ्रेंड्स, हमें ट्रेडिशनल ऑप्शन में जाना है। ट्रेडिशनल ऑप्शन में हमें ये वाला मीडियम ब्रश यूज करना है और इसकी सेटिंग को देखेंगे। इसकी ओपासिटी को फुल पर रखेंगे और इसके साइज को अपने फ़ोटो के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे अपने फेस पर यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिंदी जो है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो ब्रश छोटा होगा और राइट साइड में करेंगे तो ब्रश बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, हम करते हैं इसको जूम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, धीरे धीरे से करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये फेस गोरा हो रहा है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसे।
तो फ्रेंड्स ये मैंने ब्रश यूज कर लिया है। फ्रेंड्स अब इस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर इस लेयर पर क्लिक करेंगे और इसकी ओपासिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे जिससे ये ज़्यादा वाइट वाइट से ना लगे। तो फ्रेंड्स इतना कर लेंगे और यहाँ से हम इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे मर्ज ऑन। तो फ्रेंड्स अब हमें हाइट पेंसिल वाले आइकन पर जाना है, अब हमें लाइब्रेरी पर जाना है। फ्रेंड्स अब हमको इस मर्ज वाले ऑप्शन में ये वाला प्रेस चूज करना है। तो फ्रेंड्स इसकी सेटिंग देख लेते हैं, इसकी फ्लो को रखना है हमें 5 पे और स्ट्रेंथ को 8 पे और साइज़ को अपने फ़ोटो के हिसाब से आप रख सकते हैं और यहाँ से कर देंगे अब कट। तो फ्रेंड्स अब हमें करना है फेस को स्मूथ क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको लेफ्ट में करेंगे तो छोटा होगा, राइट में करेंगे तो बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स इसको जूम करते हैं फ़ोटो को और अपने फेस पे धीरे धीरे से ऐसे करके गोल गोल करके घुमाना है। तो देखिए ये फ्रेंड्स हो रहा है स्मूथ, आराम आराम से करना है आपको भी ताकि फेस ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से कर लेता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। तो फ्रेंड्स हमने कर लिया फेस को स्मूथ। फ्रेंड्स अब हम इसे शेयर करेंगे इस लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अदर क्लिक करके लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका है लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। अब हमें सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसके कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ से अब हमें जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। यहाँ से इसको टेम्प को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 2 पॉइंट और टेंट को 2 पॉइंट बढ़ाएंगे। अब हमें जाना है मिक्स वाले ऑप्शन पे। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले इस वाले ग्रीन वाले कलर पर जाना है, तो इसकी सेचुरेशन को करेंगे हम कम और सॉरी फ्रेंड्स इसके ह्यू को कम करेंगे और इसकी सेचुरेशन को हम करेंगे इंक्रीज। अब फ्रेंड्स येलो वाले कलर पर जाना है, इसकी ह्यू को कम करेंगे हम और सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम रेड वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड्स इसमें लुमिनियस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और यहाँ से कर देंगे हम डन। फ्रेंड्स अब हमें जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्सचर को 4 पॉइंट बढ़ाएंगे और क्लियरिटी को 8 पॉइंट बढ़ाएंगे। अब फ्रेंड्स हमें डिटेल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से इसकी शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसकी डिटेल्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स अब हमें जाना है सबसे नीचे, इसकी स्मूथनेस को फुल कर देंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ से हमें इसको शेयर करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका है, अब हमें इस पर टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है, अब एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। अब हमें इसकी थोड़ी सी कंट्रास्ट को बढ़ाना है और क्लियरिटी को भी बढ़ाना है थोड़ा सा और यहाँ से इसकी थोड़ी सी सेचुरेशन को बढ़ाएंगे और इस वाले रबर वाले ऑप्शन से जो फेस पे जो आ गया है सेचुरेशन का कलर उसे हम इरेज कर लेंगे। ऐसे ही हाथों पे ऐसे इरेज कर लेंगे। और यहाँ से हम कर देंगे राइट क्लिक। तो फ्रेंड्स अब हमें फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है, अब स्ट्रेच वाले ऑप्शन पर जाना है। तो फ्रेंड्स अब हमको करना है हेयर को सेट, तो इस वाले ऑप्शन पे बर्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके साइज़ को थोड़ा कम करेंगे। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे से हमको इसको ब्रश को चलाना है ऐसे करके, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं साइज, ऐसे करके साइज़ को बढ़ा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो रहे हैं, तो मैं कर लेता हूँ जल्दी से सेट ना।
तो फ्रेंड्स ये मैंने हेयर को सेट कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ से हम कर देंगे राइट क्लिक। फ्रेंड्स अब हमें ये यहाँ से कर लेना है सेव। तो फ्रेंड्स ये गैलरी में सेव हो चुका है। तो दोस्त फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।